12 प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. अभी तक आपने नाइट्रोजन की डाई नाइट्रोजन प्रिपरेशन पढ़ी, अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. ये एक तत्व बनता है, एक यौगिक बनता है, जिसके कारण से आपका ये भी आपके सिलेबस में है 15 ग्रुप एलिमेंट्स में. तो इनकी हम पहले लैब मेथड देख लेते हैं, अमोनिया की प्रिपरेशन मेथड जो होती है. तो अगर आप स्मॉल स्केल यानी बहुत कम मात्रा में अमोनिया को बनाना चाहते हैं, तो आप अमोनियम सॉल्ट्स को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करते हैं, जिसके कारण से आपको कुछ मात्रा में अमोनिया मिल जाती है. तो अगर कह लिखना चाहेंगे तो क्या कहेंगे कि ऑन ए स्मॉल स्केल अमोनिया इज ऑब्टेन बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग बेस सच एज कास्टिक सोडा. कास्टिक सोडा भी आपका बेस है, आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं. तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आपने अमोनिया की क्रिया कराई यानी कि हीट किया उसे, तो आपको कुछ मात्रा में अमोनिया जो है वो मिलेगी और सोडियम सल्फेट जो है और वाटर अलग हो जाएगा. इसी तरह से आप अमोनियम क्लोराइड की भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर क्रिया कराते हैं, वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आप उसकी भी जब क्रिया कराते हैं तो आपको अमोनिया और कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर जो है वो रिएक्शंस में मिलते हैं. हिंदी के में समझने के लिए अगर हम कहें तो अमोनियम लवण जो होता है सॉल्ट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं उसे हिंदी में लवण, को अगर हम प्रबल क्षार, जितने भी आपके प्रबल क्षार होते हैं, आपको मालूम है कि एल्कलाइन जितने होते हैं आपके यानी कि क्षारी मृदा धातु जो होते हैं वो आपके, उनके साथ आप जब क्रिया कराते हैं तो कुछ मात्रा में अमोनिया आपको मिल जाती है, जिसे आप प्रयोगशाला विधि के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं. रिएक्शन यहाँ ऊपर आपको दिया हुआ है. सब आते हैं कमर्शियल मेथड की तरफ. तो कमर्शियल मेथड यानी कि औद्योगिक विधि आप जिन्हें जानते हैं, तो हमें अगर अमोनिया अधिक मात्रा में बनानी होती है तो हमें कमर्शियल मेथड की आवश्यकता पड़ती है. आप इसे हैबर विधि के नाम से भी जानते हैं. जब आप डाई नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे थे तो आपको ये प्रोसेस भी सुनने में आया था. आप एक केमिकल रिएक्शन के दौरान हमने जाना था कि वो हैबर प्रोसेस के बीच में यूज़ होता है जब हम अमोनिया की प्राप्ति करने के लिए कोशिश करते हैं. ठीक है, तो रिएक्शन जब आपका इसका रिवर्सिबल पोजीशन में मिलता है आपको, पहले आप यहाँ पे डाई नाइट्रोजन की क्रिया जो है, नाइट्रोजन आप जिसे कहते हैं और इनका जो मॉलिक्यूल फॉर्मूला लिखते हैं वो N2 लिखते हैं. तो नाइट्रोजन की क्रिया आप जब हाइड्रोजन आयन से कराते हैं तो आपको मिलता है 2NH3 यानी कि आपका अमोनिया. ठीक, इसे ही आपने हैबर प्रोसेस लिखा. अब ये जो प्रोसीजर होता है ये आपका रिवर्सिबल पोजीशन में होता है, यानी कि टूवर्ड्स होता है. एक आपका फॉरवर्ड होता है, एक आपका रिवर्स पोजीशन हो जाता है. तो आप जब टूवर्ड्स पोजीशन को बोलते हैं तो इसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आपकी एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है, तो आपने इसको एक्सोथर्मिक बोला. अधिक मात्रा में प्रयोग करने के लिए हमने एक क्रिया करी थी, ये याद रखिएगा. लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं इस प्रोसेस को करने के लिए. तो इस हमने लिखा कि इस क्रिया के लिए दाब अधिक होना चाहिए, यानी कि प्रेशर जो होता है आपका ऑप्टिमम प्रेशर जो, जिसे आप इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो इसे ऑप्टिमम प्रेशर के नाम से जानेंगे, और ये कम से कम 200 ऑप्टिमम होता है. ठीक, इस क्रिया को कराने के लिए दूसरी पोजीशन क्या, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इस क्रिया में ताप कम होना चाहिए, यानी टेम्परेचर कम होना चाहिए, अर्थात न्यूनतम ताप जो होना चाहिए वो 750 केल्विन, और इसे आप इंग्लिश में ऑप्टिमम टेम्परेचर के नाम से जानते हैं. कि कंडीशन 3 क्या होनी चाहिए कि लौह चूर्ण उत्प्रेरक का कार्य करता है, इसमें K2O तथा Al2O3 मिलाने से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है. इंग्लिश में अगर कहेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज हाई एंड रेट ऑफ रिएक्शन एट 700 केल्विन इज स्लो. देयरफॉर अ मिक्सचर ऑफ आयरन जो है आपकी आयरोनिक एसिड आपका जो होता है K2O ऑक्साइड आप जिनको बोलते हैं और Al2O3 इज यूज एज द कैटलिस्ट टू मेक रिएक्शन फास्ट. तो आपने ये देखा कि जो आपकी हैबर प्रोसेस होती है इसमें सबसे पहले आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है यानी जो शुरुआती आपकी जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है, लेकिन जो ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी वो बहुत धीरे गति से हो रही होती है, जो कि 700 केल्विन यानी कि लो टेम्परेचर पर होती है, जिसके कारण से इस प्रक्रिया को तेज़ कराने के लिए यानी ये तेज़ी से काम करे, रिएक्शन तेज़ हो, इसके लिए हमें कुछ उत्प्रेरक यानी कि इंग्लिश में कैटलिस्ट को यूज़ करना होता है, जो होते हैं K2O और Al2O3. जब इन उत्प्रेरकों को हम मिलाते हैं तो जो हमारी ये प्रोसेस होती है हैबर प्रोसेस, ये तेज़ हो जाती है और इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिसके कारण से हम अत्यधिक मात्रा में हम अमोनिया बना सकते हैं. For more educational videos, go to our YouTube channel, Edmond Castle.